चिंता ऐसी डागनी कारी करे जा खाए, बैद बिचारा क्या करे कहां तक दबा लगाए, कबीरा कहां तक दबा लगाए। अर्थात तो इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि चिंता एक भूत है, एक राक्षस है, गुजरा हुआ कल है जो कलेजा को खोरता है अंदर ही अंदर, और इसका इलाज कुछ नहीं है। कोई भी संत कितना प्रवचन दे दे, कोई वैद्य इलाज कर दे, गुरु अपनी बातों को कर दे, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है अगर चिंता को ना छोड़ा जाए। इसका मतलब ये है कि किसी भी बीमारी का इलाज वही हो सकता है जहां वो बीमारी है। चिंता मन के भीतर है, उसका इलाज कहीं बाहर नहीं हो सकता। वैद्य बेचारा क्या करे, कहां दवा लगाए। वैद्य तो शरीर ही जानता है, शरीर माने वो सारी चीज़ें जो मटेरियल है, जो दिखाई पड़ती हैं, जो पकड़ में आती हैं। और हम भी यही सोचते हैं, किसी को चिंता होती है तो हमें लगता है कि उसकी चिंता दूर की जा सकती है दुनिया में कोई काम करने से। कोई भी ये नहीं कहता कि मुझे चिंता है, हर कोई ये कहता है कि उसे किसी वजह से चिंता है। कोई ये कहता है उसे रुपये की चिंता है, कोई ये कहता है उसको प्रतिष्ठा की चिंता है, कोई कहता है उसको एग्ज़ाम की चिंता है, नौकरी की चिंता है, रिश्तेदारी की चिंता है, यही सब है ना। तो हमें ये लगता है कि चिंता की कोई ठोस वजह होती है। जैसे कोई कोई कह रहा हो कि उसको अभी रुपए की चिंता चल रही है, तो तुम्हें ख्याल ये आएगा कि यानी कि अगर इसका रुपए का हम इंतज़ाम ठीक कर दें तो इसकी चिंता ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा होते देखा है क्या? किसी को रुपए की चिंता है, मान लो उसके 5 लाख रुपए फंसे हैं कहीं, तुम उसके 5 लाख रुपए छुड़वा दो तो क्या उसकी चिंता खत्म हो जाती है? तुरंत उसको चिंता करने के लिए कोई दूसरा कारण, कोई दूसरी वजह, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। मिल जाता है, नहीं मिल जाता है। इसका मतलब कि तुमने व्यर्थ ही मेहनत करी। उसकी चिंता जहां पर थी नहीं, तुम वहां मलहम लगा रहे थे। तुम पैसे से चिंता दूर करने की कोशिश कर रहे थे, तुम सोच रहे थे चिंता ब्रीफकेस के अंदर है। चिंता थी कहां पे? कबीर वही कह रहे हैं कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां दवा लगाए। मन के भीतर तो वैद्य दवा नहीं लगा पाएगा, मन के भीतर तो दवा फिर कोई ऐसा ही लगा सकता है जो मन को समझता हो। वैद्य नहीं मन को समझता, वो शरीर को समझता है, वो मलहम वलहम लगा देगा। पर ये दर्द ऐसा है जो शारीरिक नहीं है, ये दर्द मानसिक है। बात समझ रहे हो? कभी ये मत समझना कि तुम्हारे पास चिंता की कोई वाजिब वजह है। हर कोई सोचता यही है कि उसके पास चिंता का कोई कारण है, चिंता का कोई कारण नहीं होता, चिंता बस होती है। और जो मन चिंताग्रस्त है वो चिंता के बहाने खोज लेगा, और किसी दिन उसको चिंता नहीं हो रही होगी तो उसको इसी बात की चिंता हो जाएगी कि आज चिंता क्यों नहीं हो रही। कुछ लोगों को इसी बात पे दिक्कत हो जाती है कि सब कुछ ठीक क्यों चल रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है, सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि उनको ये चाहिए कि कहीं कुछ ना कुछ गलत होता रहे, ताकि वो किसी पर शक कर सकें, किसी की बुराई कर सकें, किसी के प्रति सतर्क रह सकें, किसी से डर सकें। इसीलिए तो हमें ये सब भूत प्रेत की बातें इतनी अच्छी लगती हैं ना। मन चाहता है कि कुछ गलत होता रहे। जब कुछ गलत हो रहा होता है तो मन को उसमें बड़ा रोमांच होता है,
वही हॉरर फिल्म जैसा, कि कुछ है नहीं तुम्हें डराने को, तो तुम टिकट खरीद के डरने जाते हो। जिंदगी में कुछ नहीं जो तुम्हें डराए, तो तुम कहते हो चलो पैसा खर्च करेंगे, टिकट खरीदेंगे और डरेंगे। तो मन ऐसा ही होता है, चिंता करने को कुछ नहीं है तो जबरदस्ती की चिंता करेगा, ढूंढ ढूंढ के चिंता करेगा, खोजेगा ही कहीं कुछ मिल जाए जो गलत हो रहा हो। जब भी कभी ईमानदारी से देखोगे कि चिंता की वजह, तो कोई वजह पाओगे नहीं, समझ रहे हो ना? जब भी कभी वो कर रहे होगे जो उस समय किया जाना चाहिए, तो तुम्हारे पास चिंता के लिए समय ही नहीं होगा। कैसे चिंता कर लोगे? चिंता के लिए सोचना पड़ता है ना, और सोचने के लिए दिमाग का खाली होना जरूरी है। जब दिमाग पूरे तरीके से कहीं और लगा हुआ है, तो चिंता के लिए खाली बैठ के सोचेगा कैसे? तुम यहाँ पर हो कैंप में सुबह से शाम तक, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ अच्छा है। कभी तुम खाना बना रहे हो, कभी तुम जमीन गोड़ रहे हो, कभी तुम पानी भर के ला रहे हो, कभी तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। तुम हर समय कुछ अच्छा कर रहे हो, चिंता कब करोगे? चिंता वही आदमी करता है जो वो नहीं कर रहा होता जो उसे करना चाहिए। अब सोचो एक चार लोगों की टीम बनी हो खाना बनाने के लिए, तीन तो उसमें से खाना बना रहे हो और चौथा कह रहा हो तीन कर ही रहे हैं तो हमारे करने की क्या जरूरत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द केक। तो हम जरा अलग हो जाते हैं, अब वो वहाँ कोने में जाके बैठ गया और वो चिंता कर रहा है प्लेसमेंट की। उन तीन लोगों को चिंता होगी जो खाना बना रहे हैं? ये चौथा वहां कोने में बैठ के चिंता कर रहा, पसीने पसीने हो गया है, इसने सब देख लिया, वो बेरोजगार है, 3 साल से नौकरी नहीं लगी है, घर वाले ताने मार रहे हैं, दुनिया ने तिरस्कार कर दिया है और अब आत्महत्या की नौबत आ गई है। जितनी देर में खाना बन रहा उतनी देर में इसकी कहानी आगे बहुत बढ़ गई है। और ये सब करके उसको प्लेसमेंट मिल जाएगा, कोई फायदा हुआ है कहानी आगे बढ़ा के? जल्दी बताओ नहीं। पर मन ये चाहता ही नहीं कि शांतिपूर्वक जो होना चाहिए उसको करे। हमने शाम को बात करी थी कि मन का एक ही उद्देश्य होता है क्या? डिस्टर्बेंस। मन माने डिस्टर्बेंस, मन माने शैतान का अड्डा, मन माने जिन्न की गुफा, मन माने भूत का बरगद। बात समझ रहे हो? मन माने उपद्रव। शांति में तो मन बौखला जाता है कि ये क्या हो गया, ये क्या हो। तुम देखते नहीं हो लोगों को, जैसे अभी यहाँ शांति या शांति रहे तो बौरा जाएंगे, अपने कमरे में जाएंगे और तेजी से वहां पे कोई सीडी लगा देंगे, रेडियो लगा देंगे और उसमें व्यर्थ बकवास आ रही हो बिल्कुल भाई भाई, पर वो उसमें खुश रहेंगे, बड़ी सुविधा रहेगी उनको, चुप्पी से डर जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? हम चुप्पी से डरते हैं कि नहीं डरते हैं? मौन हमें डरा देता है। शब्द चलते रहे, फिर भले उन शब्दों में बकवास भरी हो, ठीक, मन का चलना ही व्यर्थ का झंझट है। मन जब तुम्हारा खूब चल रहा हो
मन के साथ मत हो जाया करो। जैसे ही मन चिंता में खूब चल रहा हो या प्लानिंग में खूब चल रहा हो, या अपने हिसाब किताब में खूब चल रहा हो, या डिजायर्स में खूब चल रहा हो, तुरंत समझ जाया करो कि ये काम शैतान का चल रहा है। चुड़ैल नाच रही है दूसरी, मेकअप करके नाच रही है, पर है तो चुड़ैल। अब नाच रही है, अब चाहे जो आफत आए, जब भी दिमाग खूब चले तो समझ लो चुड़ैल नाच, अब नाच रही है, कोई तो आफत आएगी। वहीं दूर करना जहाँ वो है, बाहर मत दूर करने लग जाना। वो वहाँ खंभे पे नहीं नाच रही है, कहाँ नाच रही है? मन, मन। तो याद रखना कि बाहर कुछ भी करने से तुम चुड़ैल का इलाज नहीं कर पाओगे, क्योंकि चुड़ैल बाहर नहीं है ही नहीं। मन का इलाज मन में ही होगा। हम क्या करते हैं ना, मन की उलझन को बाहर सुलझाने निकल पड़ते हैं। कोई परेशान होता है तो बोलता है चलो पैसे कमा ले, क्या पता परेशानी दूर हो जाए। कोई परेशान होता है तो कहता है चलो दोस्त के साथ गपशप कर लेंगे, क्या पता चिंता दूर हो जाए। अंदरूनी चिंता का बाहरी इलाज करने मत निकल पड़ना। चिंता अंदरूनी है, उसका इलाज भी अंदरूनी है। ठीक है।